नमस्कार। ईश्वर अल्लाह आप सबको बहुत बहुत मुबारकबाद, ईद की ढेर सारी शुभकामनाएं। हम अल्लाह से, ईश्वर से और आप सब से ये दरखास्त करते हैं कि जिस तरीके से लगातार इस देश में मौत की संख्या बढ़ती जा रही है और लोगों के भीतर डर और भय का वातावरण बनता जा रहा है, कल जब आप ईद की नमाज पढ़ेंगे अपने घरों में, इन्हें मौका ना दें। ये इसी फिराक में है, कल प्लेन भी चलेगा, कहीं सैनिटाइजर नहीं हुआ, कम से कम मस्जिदों का सैनिटाइजर तो करवा देते। मस्जिद में रहने वाले लोग दुआ तो कर लेते देश के 130 करोड़ की हिफाजत की, मानवता की हिफाजत की, इंसानियत की हिफाजत की, हम सबको महफूज तो अल्लाह के गोदी में रखा जाता, दुआओं में बहुत ताकत होती। हम सब एक हैं, एक ही ईश्वर अल्लाह परम सत्ता उसके संतान हैं। मेरा पूरा देश का 130 करोड़ लोग एक परिवार है, हम अलग नहीं हैं। मेरा खून एक है, विचारधारा अलग हो सकती है, लक्ष्य एक है, इंसानियत का, मानवता का, अल्लाह का, ईश्वर का, प्रेम का, प्यार का, रिश्ते का। पॉलिटिशियन को माफ मत कर, ये इंसानियत के लिए भी, इबादत के लिए भी, मानवता के लिए भी, रिश्ते के लिए भी, प्रेम के लिए भी खतरा है। कल मुबारक, बहुत बहुत मुबारक। मैं पहली बार ईद में आप सबके बीच नहीं रह पाऊंगा, इसके लिए आप सबको मैं मुबारकबाद देता हूं, मैं और रंजीत रंजन जी की ओर से, आप और मेरे पूरे परिवार, मेरी जन अधिकार पार्टी की ओर से आप मुबारकबाद कबूल करें। साथ साथ मुझे लगता है कि आप को इस बार अल्लाह ने एक मौका दिया कि हर दुनियावी दकियानुसी चीजों से दूर अल्लाह में अधिक वक्त समर्पण का, यह हम सब के लिए विशाल है। अल्लाह ने हम सब की सुनी, हमारा वक्त पांचों वक्त नमाजों में, इबादत में बहुत अच्छे से लगा। हम इस वक्त गर्मी के 47 डिग्री में भी भूखे प्यासे रह के अल्लाह को समर्पित किए। मैं उम्मीद करता हूं कल जब ईद की नमाज होगी तो पूरी दुनिया और देश की मानवता की हिफाजत के लिए होगी। मुबारक हो। मैं आना चाहूंगा, मुझे, मैं आज तक कहता था कि कितने नेता दुबले होते हैं। आज मैं थोड़ी सीमा क्रॉस करूंगा, बुरा नहीं मानिएगा। कितना बेशर्म होता है, कितना गंदा होता है, इसको समझने की कोशिश करिए। लगभग 28 लाख बिहारी पैदल
और भूख से परेशान है। आज भी सैकड़ों हजारों लोगों को अल्लाह ने, ईश्वर ने हमें मौका दिया उनकी हिफाजत करने का। कल भी आधा दर्जन बस भेज सके हम। क्या कारण है कि ये नेता 700 एमएलए एमपी उनके परिवार के प्रति उनकी संवेदना नहीं जगी, उनमें से किसी की मदद ना की, ना ही उनके बच्चों को पढ़ाने का वीरा उठाया। बेगूसराय के रामकुमार पंडित जी की तस्वीर का प्रोफाइल पिक्चर लगाने वालों ने उनकी पैसे की मदद तक नहीं की। सासाराम की सुनीता जी के पति मर गए, वह दिल्ली में फंसी थी, रो रही थी, किसी ने मदद नहीं की। प्रियंका जी के प्रयास से उन्हें मदद मिला। आश्चर्य होगा, बेगूसराय के रामजी महतो पैदल चल भूख से मर गए तो उनके घर किसी ने मदद नहीं की, सिर्फ पप्पू यादव सभी जगह। जहां भी आप कहीं भी देख लो, यदि मैं वहां बेटे की तरह, मुझे नहीं पता था ज्योति जी के बारे में, जब मुझे यह पता चला भूखे एक बच्ची घर पहुंच गई रात में, तो मुझे लगा कि इससे बड़ा रमजान, इससे बड़ा इबादत कुछ हो ही नहीं सकता, इससे बड़ा रोजा कुछ हो ही नहीं सकता, इससे बड़ी इंसानियत हो ही नहीं सकती। मैंने अपने अध्यक्ष डॉक्टर मुन्ना खान को कहा कि उस घर में पहले, तब तक ना तो किसी टीवी का पता, ना दुनिया का पता। आश्चर्य होगा, बेसर्वी की सीमाएं पार कर गए। बारे बा, मैं तो भारत के लिए शर्म की बात है जब ट्रंप की एक गरीब की बेटी को 1200 किमी साइकिल से तय करने को मजबूर होती है। इवांका ट्रंप ने इंड्योर शब्द का उपयोग किया, इंड्योरेंस, इंड्योरेंस मतलब सहन शक्ति, अर्थात हम इन बेईमानों के जुल्म को कब तक सहन करते रहें, हम सहते रहें, यही मेरी सहन शक्ति है, हम पैदल चलते रहें, यही मेरी सहन शक्ति है। हमारे बड़े भाई रामविलास पासवान जी की कई हफ्ते के बाद ट्वीट का खेल शुरू हुआ, और जाति की भावना, ज्योति जैसी बेटी के लिए, बेटी की कोई जाति नहीं होती, ऊर्जा की कोई जाति नहीं होती। मुझे आश्चर्य दुख पहुंचा है। चलिए भावना जगी रामविलास पासवान साहब, जो बड़े भाई हैं, मेरे लिए मैं बहुत रेस्पेक्ट करता हूं। पासवान साहब इतने दिनों में देर आए, कम से कम उनके पिता को एफसीआई में नौकरी में तो रखवा दीजिए, और आपके पास तो पैसों की अंबार है, किस्मत लिखा के आए हैं, पता नहीं छप्पर फार के किस्मत है, 25 लाख रुपया उस बेटी के नाम से फिक्स तो कर दीजिए। आपको आश्चर्य होगा जनाब, एक विपक्षी पार्टी है जो किसी ऐतिहासिक व्यक्ति के नाम पर ट्वीट ट्वीट का खेल खेलता, खेल बेशर्मी की, उनकी 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 मूर्खता का, उनके गोबरपनी का, सुगरपनी का कोई जोर नहीं है। जिसकी जिस रजक का बेगूसराय में डीपी लगाता है, फोन लगाते लगाते थक गया, 1 रुपया नहीं मिला उनको, लेकिन जब मीडिया ट्रायल होता है ज्योति की, तो इन नेताओं की दोगलाई क्यों जग जाती, कितना कमीना होता है नेता, यह मैं समझा रहा हूं, समझिएगा। रविशंकर ने ट्वीट कर दिया अपने खेल मंत्री को, आपके सिन्हा ने तो और हद कर दी, 25,000 रुपया अरबपति खरबपति इतने दिनों के बाद, मतलब पप्पू यादव ने 20,000 रुपया क्या दे दिया, हम तो वैसे देते रहते हैं। माझी जी को 2 लाख रुपया उनके घर में खाने के लिए कुछ नहीं था, किसी ने नहीं दिया। आज तक नीतीश कुमार उस परिवार को नौकरी तक नहीं दी, कुर्सी पर बैठा के अपना प्रोफाइल बना लिया था। पप्पू यादव को तस्वीर लगानी पड़ी उस माझी की, अपने पैसे से 5 लाख की तस्वीर,
और उस परिवार को आज तक 12,500 रुपया पप्पू यादव के अकाउंट से जाता है, रंजीत मैडम रंजीत रंजन के अकाउंट से आज तक। चलिए रामविलास पासवान जी किसी दलितों के घर नहीं गए, पासवान छोड़ करके आज तक जितनी घटना घटी उसमें पासवान जी के यहां, इनके लिए क्यों इतने दिनों के बाद तीन तीन बार ट्वीट, कुछ करिए। और आज अभी हमने ट्वीट देखा कि 50,000 रुपया हम भी दे रहे हैं, चिराग बाबू का ये ट्वीट था। बारे बा बड़े मियां तो बड़े मियां, छोटे मियां सुहान अल्लाह। ये राबड़ी देवी जी की, राबड़ी देवी जी आप अपनी बेटी की शादी, या हम पप्पू यादव अपनी बेटी की शादी 12 साल में कराएंगे? दलित की बेटी की शादी के लिए नहीं पैदा हुई, वो दुनिया में निर्माण करने के लिए पैदा हुई है। बेटी की शादी, बेटी की शादी, हम भी कुछ देंगे। ये लड़क भुड़बुड़ी अपने बेटे के तरह मत करिए और बेटे के कहने पर मत चलिए। आप माँ के तरह हैं, 12 साल में किसी बच्ची की शादी नहीं होती। आश्चर्य है, महेश्वर पासवान, रामविलास पासवान कूदे तो महेश्वर पासवान हजारी भी कूद गए। पासवान का जग गया, जाति का जगा। उन्होंने कहा हम भी 50,000 देंगे, मैं क्यों पीछे रहूं। अब आप सोचिएगा बिहार की पॉलिटिक्स कितनी हरामीपन होती है, कितना गंदा होता है। 28 लाख लोगों के लिए इन कुत्तों को क्यों नहीं जगानी, क्या यह रास्कल नहीं है? और लोगों को पढ़ाने की औकात नहीं हुई, कहा है क्यों नहीं जगे? और लोगों के लिए पैसा क्यों नहीं मिला? सिर्फ मीडिया ट्रायल के बाद ही लोग क्यों बाप बाप करने लगे? क्या ये जानवर नहीं है ये लोग? ये सवाल है पप्पू यादव जी का। क्या यदि मेरा गलत सवाल है तो हमको बोलिएगा। और जगह लोग मरे, आत्महत्या कर लिया हरियाणा में, पप्पू यादव को भेजना पड़ा। 12,000 अकाउंट में पप्पू यादव को क्यों भेजना पड़ा? मैं आपसे आग्रह करूंगा हाथ जोड़ करके कि आप पूछिए क्या इन्होंने एक भी अकाउंट में डाला है? आज ज्योति पासवान के लिए क्यों? और सबसे बड़ा हरामीपन तो आश्चर्य होगा आपको, कि पप्पू यादव के बाद आपको ये देखिए बीजेपी की बेशर्मी, ये देखिए 12 साल बच्ची को जो नाबालिग नहीं है, नाबालिग है बालिग नहीं हुई है, आप उसको सदस्यता पार्टी का दिला सकते हैं? ये तो और भी दोगलाई और हरामीपन कर दिया। बीजेपी का गमछा ओढ़ा के सदस्यता दिलवा दी, जो बच्ची 2 महीने 2 दिन तक भूखे थी, जिसके पिता को हरियाणा में मारा गया, बीजेपी की सरकार है, ट्रिपल इंजन की सरकार, पीटा गया, इलाज के लिए पैसे नहीं थे, घर से निकाल दिए गए, भाड़े मांगे जा रहे थे, गाड़ी नहीं मिली, उस दोगलई की दोगलई देखिए, ये देखिए दोगलई, क्या कहेंगे इसको? 12 साल की बेटी को जो 1400 किलोमीटर चल के आया किरण रिजू, कुछ दिनों के बाद इसको सब भूल जाएंगे, मांझी को भूल गए ना सब, आपको लगता है कोई याद रखेगा क्या? आपको ऐसा महसूस होता है? हाँ? मुझे तो समझ में नहीं आता। मैं आज बहुत ज्यादा दुखी हुआ, क्या पप्पू यादव कभी जीवन में दोगलाई नहीं कर पाएगा तो क्या बिहार की राजनीति में? आज मैं सोच रहा था सहरसा मधेपुरा सुपौल के बारे में, उनके एमपी अभी, उन लोगों के एमपी अभी तक बिहार निवास में बंद थे, अभी घर पटना गए हैं, किसी से फोन पर बात नहीं हुई। पटना के सभी जगह के एमपी अभी अभी गए हैं, अभी
अभी गए हैं, अभी तुरंत, जस्ट आपको आश्चर्य होगा, सब लोग अपने अपने घर में सोए थे, फोन किसी की नहीं उठ रही थी। फिर उन्हीं लोगों का जयकारा होगा। जब कभी पप्पू यादव आगे बढ़ता है तो फिर इन हरामीपन की सीमाएं क्यों पार होती है? क्यों इतनी गंदगी? अच्छा, इस देश में महात्मा फुले, पेरियार, अंबेडकर ने जो छुआछूत, ऊंच नीच, जो इतिहास गरीब मजदूरों का पहले था, थूक नहीं फेंक सकते, कुछ नहीं कर सकते, आज भी वो इतिहास क्यों है? फ्लैट से कल से हम चलेंगे, हमारे लिए उमर ओला लगा रहेगा, हम सीधा घर जाएंगे, क्वारंटाइन नहीं होगा, राजधानी से जाएंगे घर में क्वारंटाइन होंगे, लेकिन जब मजदूर श्रमिक ट्रेन से जाएगा तो जहां जानवर नहीं खा सकता रह सकता, वहां क्वारंटाइन हो जाएगा। आज भी 60 दिन के बाद 61वां दिन मजदूरों के लिए नर्क की जिंदगी सड़कों पर और क्वारंटाइन सेंटर में जारी है। सासाराम जाने वाली श्रमिक ट्रेन में एक लेडीज भूख और पानी के बगैर 3 दिन के बाद मर गई। ट्रेन को आना था, सासाराम चली गई कहीं, ट्रेन के इतिहास में ट्रेन को जाना था पटना, चली गया पुरलिया, ट्रेन को जाना था कहीं, चला गया तिरुपति। मुझे समझ में नहीं आया कि आखिर क्यों। नीतीश जी, मैं जानना चाहता हूं एक बात, जरा बताइए, आज आपने फिर ट्रोल केंद्रीय डिजिटल टोल खुल गया, प्लेन खुल गया, फ्लाइट खुल गया, लोग बाजार जाने लगे, आप अभी तक घर में बंद हैं, कोव घर में बंद हैं, सबसे ज्यादा कोरोना वायरस का डर आपको ही, कल से फ्लाइट शुरू हो गई, वीआईपीओ के लिए सब कुछ लगेगा, मुझे समझ में नहीं आता। मैं आऊंगा लेकिन मुझे एक बात समझ में नहीं आती है, 24 घंटे में 145 लोग मर गए, इसकी सरकार की कोई चिंता का विषय नहीं है? चार मुख्यमंत्री ने, महाराष्ट्र, झारखंड, बंगाल, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री ने कहा कि मैं फ्लैट चलाने के लिए तैयार नहीं हूं, रेड जोन में मैं कहां से ले जाऊंगा, बंद हैं, हमसे पूछा नहीं गया, जब आपने हमको छोड़ दिया कि आप देखिए राज को, हमसे पूछे नहीं और जबरदस्ती मेरे यहां फ्लाइट आप चला रहे, राज्य सरकार की आपत्ति के बगैर आप फ्लाइट चला रहे, कर्मचारी नहीं है, लोग क्वारंटाइन है, कोई पॉजिटिव केस है, लेकिन आप कई जोन रेड जोन में है, लेकिन आप हमसे जबरदस्ती चलवाएंगे, आखिर संघीय व्यवस्था का क्या होगा, कारण क्या? मैं तो सोच के परेशान हूं, आखिर आप चाहते क्या? क्वारंटीन में आप फ्लैट वाले को, आप उमर ओला, बिहार में क्वारंटीन सेंटर में 240 लोगों पर 200 चाले, आपदा प्रबंध संस्थाओं की संख्या 5 जिलों में 1 आपदा केंद्र, 96,68,171, मतलब 58,09,00,000 रुपया आपने 600 रुपया की राशि से, आप कह रहे 9 लाख लोग क्वारंटाइन सेंटर में, 9/5/2020 को जारी हुए निर्देश के अनुसार क्वारंटाइन कैंप लगाए गए प्रवासी मजदूरों की बाल्टी, मग, मच्छरदानी, दरी उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया। इस मद में 400 रुपया प्रत्येक व्यक्ति की मदद निर्धारित अलग की गई, इसमें 38 करोड़ खर्च किए गए, ये अलग है, इसका सीधा मतलब समझिए, ये 38 करोड़ वो 58 करोड़, ये ऑर्डर है प्रत्यय अमृत के। क्यों संजय सिंह को हटाया गया इसका खेल समझिए,
संजय सिंह कोई अच्छा नहीं कर, ये देखिए ये ऑर्डर है क्या क्या चाहिए क्वारंटीन में, मैं आ रहा हूं वहां, आपको आश्चर्य होगा बिहार जो क्वारंटीन सिस्टम जरा समझिए, प्रखंड स्तरीय क्वारंटीन कैंप इनमें दिल्ली मुंबई से आने वाला, पंचायत स्तरीय क्वारंटीन कैंप गुजरात पश्चिम बंगाल सभी जगह, क्वारंटीन कैंप शेष राज्यों से आ रहे लोगों की 31/3/2020 बिहार सरकार प्रधान सचिव सर्कुलर प्रदेश जारी होती है। क्वारंटीन सेंटर में खाना लाइट की व्यवस्था टेस्टिंग उपकरण 30/4/2020 को जारी निर्देश में शौचालय निर्माण पेयजल आपूर्ति स्वास्थ्य ये सारी चीजें 19/4/2020 को सर्कुलर जारी हुआ, इसके मुताबिक केंद्रों से अब आवश्यक, अब क्या साथ जारी हुआ वो समझिए। भारत सरकार के मुताबिक क्वारंटाइन सेंटर शहरी आबादी से बाहर होना चाहिए, लोगों की रीच से दूर होना चाहिए, हॉस्पिटल तक पहुंचने का कोई बाधा ना हो व्यवस्था की जानी चाहिए, दिव्यांग लोगों के लिए सही होनी चाहिए, हर बेड के बीच में 1-2 मीटर का फासला होना चाहिए, लाइटिंग पंखा वेंटिलेशन की पूर्ण व्यवस्था होनी चाहिए, सपोर्ट सर्विस जिनमें खाना नाश्ता और टेलीविजन की फैसिलिटीज होनी चाहिए, हर किसी का डेली सामान स्वास्थ्य चेकअप होना चाहिए, सभी एंट्री एवं एग्जिट गेट पर सीसीटीवी के द्वारा कवर होना चाहिए, सभी को पीपीई किट पहनना अनिवार्य है, सभी बेड पर डिस्पोजल बेडशीट होना चाहिए, बेडशीट को हर रोज बदला जाना चाहिए, जिसको भी डिस्चार्ज किया जा रहा है उसके पूरे तरीके से जांच होने के बाद ही डिस्चार्ज किया जाना चाहिए, सभी स्टाफ को पीपीई किट पहनना अनिवार्य है, हर जगह डस्टबिन में काले प्लास्टिक बैग पीले प्लास्टिक बैग होने चाहिए ताकि ट्रीटमेंट में इस्तेमाल किया गया सूट उसमें फेंका जा सके। अब समझिए क्वारंटीन के हाल, 700 करोड़ श्रम शक्ति तमगा हासिल हुआ, बिहार आज सबसे ज्यादा रो रहा है, पहले सरकार अपने लोगों को लाने में विफल रही, अब जो आ गए उसे क्वारंटीन सेंटर में रखा जा रहा है, जब इन सेंटरों पर होड़ी घटना पर पटना हाईकोर्ट ने संज्ञान लिया, सरकार ने आपदा प्रबंधन के नाम पर 700 करोड़ से ज्यादा फंड जारी कर दिए, 700 करोड़ ज्यादा फंड जारी कर, असल में फंड सिर्फ कागजों पर दिखाई दे रहा है, इसमें COVID-19 के संदर्भ में जारी किए गए सर्कुलर को पढ़ा है और उनको देखने के बाद इस महामारी के बीच में घोटाले की बू आ रही, 38 जिलों में सरकार ने ब्लॉक के तरीके सेंटर बना जिसमें 534 ब्लॉक है, इनमें 13,825 क्वारंटीन बनाए गए, 9,68,000 लोग मतलब 9,68,171 लोग, आपदा राहत केंद्रों अभी तक सिर्फ 27.25 लाख लोगों को खाना खिलाया गया, ये कहा जा रहा है एक पूरे प्रदेश में 139 आपदा राहत केंद्र चल रहे हैं, 22 मई को इन्होंने कहा कि हम 58,744 लोगों को खाना खिलाएं, मजे की बात यह है कि 22 मई को 7 जिलों में एक भी आदमी खाना नहीं खिलाया, ये सभी जिले अरवल गया गोपालगंज जमुई लखीसराय मधुबनी सतपुरा, सबसे हैरानी की बात यह है कि इनमें से 5 जिले में एक भी आपदा राहत केंद्र है ही नहीं। अब आप हमें बताएं कि आप चाहते क्या है? ये देखिए पैदल चलने वाले मां का पैर, मैंने लाया है फोटो इंच की, ये पैर आपको मैं दिखा रहा हूं, जल गए 47 डिग्री पर, आज दुनिया का हर आदमी क्वारंटीन शब्द का इस्तेमाल कर रहा है, ये आज नहीं 1348 और 1359 में यूरोप 30% आबादी जब फ्लैग से मर रहा था तब ये अलग रखने का एक सिलसिला चला था, लगभग 750 साल बाद भी यह तरीका आज भी कारगर, लॉकडाउन में इसी का एक बढ़ा हुआ स्वरूप है, कोरोना महामारी के बीच क्वारंटीन सेंटर बनाए गए, वास्तविकता सुनने में तो कुछ और, वास्तविकता जमीन पर आसमान पताल का फर्क सामने है, चारों तरफ क्वारंटीन में विरोध प्रदर्शन जारी, बिहार आज में हालात इतना खराब है कि 240 लोगों के हिस्से में 2 टॉयलेट नहीं, इन सेंटरों के हालात इतने खराब हैं कि पटना हाईकोर्ट 12 मई को पीआईएल लगाई तो जाके कोर्ट ने सरकार से जवाब मांगा, वैसे सरकार के मुताबिक इन सेंटर में जो व्यवस्था उतनी किसी 2-स्टार होटल में नहीं है, यह सरकार कर रही है। अब आप बताइए भारत सरकार ने क्वारंटाइन के बारे में क्या कहा कि कैसा होना चाहिए, 38 करोड़ 58 करोड़ घोटाला जारी है, आप किसी क्वारंटाइन में जाइए सीसीटीवी कैमरा नहीं मिलेगा,
जांच नहीं मिले हैं, बेड नहीं मिले हैं, टीवी नहीं मिलेगा, खाने नहीं मिलेंगे, आखिर ये पैसा घोटाले क्यों है? यह सवाल आप क्यों नहीं छेड़ना चाहते? जो क्वारंटाइन में है आप उसे कल यदि सही मामले में यदि कर रहे हैं तो आप उसको खाना पर खाना पहुंचाइए। हमने लगभग 200 बस कल तक हम लोगों ने भेजे, अब मुझे लगता है कि मेरी स्थिति नहीं है। ट्रेन भी 1 जून से खुल रहे हैं, मैं लगातार यहां पर प्रयास कर रहा हूं लोगों तक खाना पहुंचे। 200 बस 1.5 लाख रुपए के हिसाब से जोड़ लीजिएगा, क्या हालात हैं। लगातार 24 अप्रैल से, आज मेरा 61वां दिन है, 61वां दिन। अल्लाह ने मुझे, ईश्वर ने बहुत ताकत दी और सबसे बड़ी ताकत बिहार के 12.5 करोड़ लोगों ने दी। आपने जिस तरीके से जज्बात सुने, जाति धर्म मजहब से हटकर एक बेटे के रूप में हमें साहस दिखाया। लगातार मैंने जांच कराई बिहार आने के लिए कि कल के दिन इनको प्रॉब्लम ना हो। आप सबके दुआ से हम निगेटिव हैं। अभी तक जांच रिपोर्ट आ गई, जांच रिपोर्ट में हम निगेटिव, हमारी जांच में आई। ईश्वर के साथ आपकी दुआ सबसे ज्यादा, दवा भी। इतने ज्यादा 60 दिन 47 डिग्री की गर्मी में बिना पंखा के पैर के नीचे हर दिन झोपड़ी झुग्गी में, जिस श्रमिक को ये कोरोना वायरस के नाम पर नफरत करता, फ्लैट वाले क्यों इस भारत में, आज भी इतनी बड़ी दोगलाई, राजधानी वालों के लिए कुछ और श्रमिक वालों के लिए कुछ, और उसके नाम पर लूट का महाखेल, बारे बार क्या हालात है। और इसीलिए आज 2 सवाल पर मेरा है मां, या क्यों फ्लैट में पप्पू यादव जाएंगे, हम सीधा घर जाएंगे। राजधानी से जो गए घर गए, जो एमपी अपने एसी गाड़ी से गए घर गए, फिर सर्विक को क्यों घर नहीं भेजा गया? ईद के समय आपने उसको घर जाने की इजाजत क्यों नहीं दी? पर्व में भी उसको आप क्वारंटाइन सेंटर में रख करके बर्बाद कर रहे। आपसे बड़ा अपराधी सरकार कोई नहीं। और इस 2 सवाल पर पब मैं आपसे पूछना चाहूंगा बिहार की जनता से, और यह सवाल आपसे है यार। एक सवाल सीधा है, यह कैसा फर्क प्लेन और श्रमिक कानून और राजधानी का? तीसरा सवाल, क्वारंटाइन के नाम पर लूट 58 करोड़ और 38 करोड़। और सबसे बड़ा फर्क नमक हरामी, दोगलई तेगलई, इन जानवर से बुरा स्थिति पैदा करने वाले गंदे लोग, ज्योति के नाम पर। जब ट्रंप ने मेरी सहन शक्ति को गाली दी, गरीबी की सहन शक्ति को, ट्वीट ट्वीट का खेल, बड़े भाई रविशंकर जी से लेके रामविलास पासवान जी से लेके सब बारे बार हर चीजों में कीर्तिमान। मोदी जी हैं तो मुमकिन है, सब कुछ है, मैं बधाई दूंगा मोदी जी को। मुजफ्फरपुर बेरिया की रवीना कुमारी अहमदाबाद में फंसी थी, खगड़िया तेलीहर के 2 लोग राजस्थान दौसा में मर गए थे, दर्जनों फंसे थे, इनकी मदद के लिए कोई आगे नहीं आया। रामविलास पासवान जी, शेखपुरा के पंकज पासवान के पिता की मृत्यु हो गई, ये चिराग जी का क्षेत्र था, तब कोई पासवान होने के कारण उन्हें मदद नहीं किया। गुरुग्राम उनके घर पहुंचाने का इंतजाम किया गया पप्पू यादव के द्वारा। भागलपुर में मुकेश की मां का देहांत हो गया, पप्पू यादव को पहुंचाना पड़ा, वो दिल्ली में फंसे थे, घर जाने पर पुलिस मार रही थी, उन्हें भागलपुर पहुंचाया गया, तब कहां थे ये लोग। ऐसे सैकड़ों हजारे मामले हैं लोगों की अकेले दम पर कुछ मित्रों शुभचिंतकों को सहयोग से मदद करते रहे। 40 श्रमिक स्पेशल ट्रेन गंतव्य स्थान से भटक गई, 70 साल में यह पहली बार। मोदी जी हैं तो मुमकिन है, रेलवे का नया कीर्तिमान। पटना पहुंचने वाली ट्रेन, पुरलिया गोरखपुर पहुंचने वाली ट्रेन राउरकेला पहुंच गई और उसी में मौत हो जाता है, समझ में नहीं आता।
कि ज्योति के नाम पर भी राजनीति और राजनीति का बेशर्मी ये समझने का प्रयास कीजिएगा। ये बिहार ही और उत्तर भारत के हिंदी भाषी राज और दोगले नेता ही कर सकते हैं। इन लोगों से बचिएगा, यही मैं आपसे आग्रह करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। पुनः एक बार आप सबको हृदय से मजबूत इरादे के साथ आगे बढ़े। कल दुआ कीजिएगा कि हर लोग हमारे हिंदुस्तान में सुरक्षित रहे, इंसानियत बरकरार रहे। कल की दुआ में हमें भी कबूल कीजिएगा। अल्लाह इतनी ताकत दे कि किसी को भूखा नहीं रहने दे और किसी को पैसे के बगैर मरने ना दे। यही मैं पवित्र इस ईद के अवसर पर अल्लाह से दुआ करता हूं और आप सबको मुबारकबाद देता हूं। शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल, धन्यवाद।